चिलगम खाने में हम सभी को मजा तो बहुत आता है, लेकिन दोस्तों ये होता बहुत चिपकू है। और अगर दोस्तों आपके बालों में कोई चिलगम लगा दे तो आप क्या करेंगे? पहले तो आप दौड़ा दौड़ा कर कूटेंगे, पर ऐसा करने से आपके बालों का चिलगम निकलने वाला नहीं है। तो चिपका हुआ चिलगम निकालने का हम कुछ इजी टिप्स बताएंगे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आमतौर पर चिलगम को बनाया गया था मुंह का एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि चिलगम खाने से हमारे मुंह का फैट कम होता है। पर ज्यादातर लोग चिलगम खाकर उसका गुब्बारा बनाने लगे, और गुब्बारा बनाना लोगों को इतना अच्छा लगने लगा कि चिलगम वाले अपने एडवर्टाइजमेंट में गुब्बारा बनाकर दिखाने लगे। पर दोस्तों, कभी कभी चिलगम खाते खाते पेट के अंदर चली जाती है। ऐसे में क्या पेट के अंदर चिपक जाती होगी? लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन 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 अगर आप पॉपकॉर्न की तरह चिलगम निगलने लगेंगे तो यह घातक हो सकती है। अब यही चिपकू चिलगम यदि आपके बालों में चिपक जाती है तो उस बाल को काटिएगा नहीं, उस चिलगम को बर्फ से सेक देंगे तो यह चिलगम सख्त होकर आपके बालों से आसानी से हट जाएगी।